मैं देख लेती हूँ यहाँ फ्रंट पर, यहाँ पे तो कोई पार्सल नहीं है। मेरे लिए क्यों है? किस खुशी में है? ये तुम्हारा अर्ली वैलेंटाइन गिफ्ट है। रहे उमर, ये देखें देखें, खुशी देखें, ऐसा लग रहा है गिफ्ट इनका है, मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता वैसे इस बॉक्स में क्या हो सकता है। YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? आई होप सब जो हैं अच्छे से हैं, मजे में हैं, अपने घरों में। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं, सब शेयर करूंगी। लेकिन सुबह हुई है और मेरा दिल चाह रहा था कुछ अच्छी सी स्मूदी पीने का, तो मैं कल जाके जो है ना लेकर आई थी कुछ फ्रोजन फ्रूट्स। तो मैंने कहा क्यों ना मैं स्मूदी बनाती हूँ और आप पहले आप लोगों से शेयर करती हूँ स्मूदी की रेसिपी। तो चलते हैं किचन में, बनाते हैं जबरदस्ती स्मूदी और फिर बताऊंगी कि आज हम क्या करने जा रहे हैं इंटरेस्टिंग सा। लेट्स गो टू द किचन। ओह यार गाइज, उमर आ गए, आप लोगों को दिख रहे हैं। और आज को इतना रश है ना यहाँ पर। ये रहे उमर, ये देखें देखें, खुशी देखें, ऐसा लग रहा है गिफ्ट इनका है, मेरा नहीं है। मिल गया, मिल गया। थैंक गॉड। मैं तो दुआ कर रही थी कि उमर आपको मिल जाए भाई, कहीं ये ना हो ये वो पार्सल है ना जिसने आपको जो है वो पागल बनाया हुआ था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि स्मूथ डिलीवरी होनी चाहिए थी, लेकिन स्मूथ नहीं हुई। चलें, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। क्या है, खोलूं इसको मैं अभी, खोल लूं या घर जाके खोलना है? आपकी मर्जी, आप घर जाके खोलें या अभी खोलें। नहीं, चलें घर जाकर खोलते हैं। मैं ऐसे नहीं खोलना चाहती क्योंकि मैं सुकून से बैठ के खोलूंगी ना। ये क्या है, पता नहीं कहीं मुझे यहीं पे शौक ना लग जाए पब्लिक प्लेस में। कि कहीं रोज ही ना निकल आए इसके अंदर से। चलें घर चलते हैं, लेट्स गो। चलते हैं गाइस, घर चलते हैं, घर जाकर खोलते हैं ये पैकेट, क्योंकि आई एम वेरी एक्साइटेड कि आखिर इसके अंदर है क्या चीज जनाब, और पता तो चले जाके। तो देखते हैं घर चलकर जल्दी से, ठीक है? तो घर चलते हैं जनाब और देखते हैं इस पार्सल के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसने सुबह से ना संडे हमारा उधम कर दिया है। तो लेट्स गो होम और फिर ओपन करते हैं इस पार्सल को। तो चले मेरे साथ, जाना नहीं कहीं आप लोगों ने। चलिए जनाब, सबसे पहले जो है ना हम लोग निकाल लेते हैं फ्रूट्स। तो मैं ये देखें कल लेकर आई थी, मेरे पास जो है मैंगो चंक्स थे फ्रोज़न, क्योंकि अभी तो समर यहाँ पर नहीं है, जाहिर सी बात है, तो विंटर। हाँ उमर, आपने मेरा पार्सल देखा है अभी? कौन सा पार्सल? पार्सल आने को था बस। नहीं, मैंने तो कोई पार्सल नहीं देखा। क्या चीज़ थी, क्या ऑर्डर करा है आपने? मुझे तो नहीं बताया आपने कुछ भी। अरे यार, एक चीज़ ऑर्डर करी थी यार, लेकिन 10 से 11 बजे के दरमियान आने को था। कोई दस्तक हुई हो, कोई नॉक? नहीं, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही नीचे आई हूँ, मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। लेकिन अच्छा, हाँ आपने चेक करा है, कंफर्मेशन आई है उसकी? आज कंफर्मेशन उन्होंने कल भेजा था कि 10 से 11 आज होगी डिलीवरी। तो मैंने कहा आप नीचे हो तो आप उठ जाते। नहीं, मुझे तो नहीं आई। तो वहाँ पे नहीं देखा आपने? वहाँ पर बिन की तरफ, गैरेज की तरफ भी तो रख जाते हैं ना कभी पार्सल, और बाहर डोर की तरफ भी कभी रख जाते हैं। वो तो मैंने हमेशा मना करती हूँ उन्हें, लेकिन वो रख जाते हैं क्योंकि वो उतना मतलब तो कोई चीज़ ऐसे यहाँ से उमर उठाता नहीं है। आपने चेक करा है पहले? नहीं, मैंने चेक किया है, लेटर बॉक्स की तरफ चेक किया है, वहाँ पर तो कोई नहीं। यूजुअली क्या होता है, अगर आपने नहीं सुना तो नेबर्स को दे देते हैं ना। नहीं, लेकिन नेबर्स तो वो नेबर्स फिर हमें बता देते तो कार्ड छोड़ते हैं ना। अगर वो नेबर्स को तो कार्ड है कोई? नहीं, मैंने देख लिया, चेक कर लिया, कोई भी नहीं है, नोट वगैरह कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो आप उधर देखें ना, आप उधर चेक कर लें, गैरेज की तरफ चेक कर लें, ठीक है? मैं देखती हूँ, मैं फ्रंट की तरफ देख लेती हूँ खोल कर ना। लेकिन मंगाया क्या है मुझे तो नहीं बताया आपने। एक मिनट, मैं देख लेती हूँ यहाँ फ्रंट पर, यहाँ पे तो कोई पार्सल नहीं है यार। वहाँ पर भी मैंने देख लिया, इनके पास भी नहीं है। नहीं है, इनके पास भी नहीं है। परेशान हूँ, नहीं मिला वहाँ पर भी, नहीं मिला। मैं थोड़ा यहाँ पर तो नहीं है, मैंने देखा है फ्रंट पर। और अगर नोट वगैरह भी नहीं है तो फिर मतलब आप कहीं बाहर तो नहीं छोड़ के चला गया? कहाँ बाहर छोड़ के, अभी तो चेक करा है ना हमने बाहर जाकर। उमर तो बाहर कहाँ छोड़ के गया है? किसी ने उठा लिया? नहीं नहीं, माशाल्लाह। वैसे मैं यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है, वैसे लोग उठे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ मेरा तो। बल्कि पार्सल रहा भी है कभी, एक पूरी रात पड़ा रहा, कोई नहीं उठाया। इम्पोर्टेंट पार्सल है वो, मुझे तो बता नहीं रहे, लेकिन क्या है इतना इम्पोर्टेंट यार, बस है ना। अक्सर पता है एक और जो है ना हमारी एड्रेस के नाम पर है, लेकिन अक्सर चीजें वहाँ, अक्सर तो नहीं लेकिन कभी कभी लोग वहाँ पे जो डिलीवरी के लिए आते हैं अक्सर वहाँ चले जाते हैं गलती से। कहीं वहाँ तो नहीं चला गया? लेकिन बाद में ऐसा होता नहीं है, उनके जरूर पार्सल हमारे पास आते हैं। हमारा आज तक कोई पार्सल मिस नहीं हुआ है, हमारा बाहर से भी किसी ने नहीं लिया है। हाँ। हमारा याद है, हमें पाकिस्तान जा रहे थे तो पूरा गजीबो जो था बाहर पड़ा रहा था पूरे 2 दिन। हाँ तो लोग नहीं लेते हैं यहाँ पर, तो फिर आप या तो पता है क्या करें, ईमेल वगैरह चेक करें, ईमेल चेक करें अपनी, जंक में देखें कुछ हो। हाँ जंक पे कभी कभी चली जाती है, उसमें चेक कर लें। मैं जा रही हूँ अपनी स्मूदी बनाने और मिल जाएगा, इतना परेशान ना हो। तौबा सुबह सुबह थलथली मचा दी है। मैं अच्छे से अपनी स्मूदी बनाने के चक्कर में निकली थी, मेरे ब्लॉग में आ गए। हो जाता है कभी कभी। हाँ इन्होंने ईमेल की हुई है, ये आए थे, दस्तक दी इन्होंने। हाँ और किसी ने खोला नहीं दरवाजा, तो उन्होंने वापस जो है अपने स्टोर जो नियरेस्ट है वहाँ डिलीवरी दे दी है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो आ जाएगा, दोबारा डिलीवरी कर देंगे वो लोग, इसमें कोई मसला थोड़ी है। नियरेस्ट ऑफिस कहाँ है जहाँ पर इन्होंने डिलीवरी को किया है? अरे यहाँ से दूर नहीं, 10 मिनट की ड्राइव है। तुम्हें वो लोग खुद डिलीवर कर देंगे ना, इतना क्या अभी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। हाँ और मैं बता दूं। हाँ अच्छा चलो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मेरे लिए? हाँ। मेरे लिए क्यों है, किस खुशी में? ये तुम्हारा अर्ली वैलेंटाइन गिफ्ट है, ये समझो। जब ये ना मुंह से निकल नहीं रहा था, मैं कह के थक रही हूँ, मर रही हूँ। मैं कह रही हूँ ऐसी कौन सी चीजें, घर की सारी चीजें जो है ना वो हम लोग मिलके लेते हैं, हमें पता होता हम क्या ले रहे हैं। तो रियल में जब भी मैं परेशान हो रहा था कि तुम नीचे होती हो, आया होगा कहाँ तो मैं कलेक्ट कर लूंगी पार्सल। हाँ। लेकिन मुझे तो आवाज ही नहीं है, मैं थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। मैं तो व्लॉग के लिए उतरी थी नॉर्मली, और जो मुझे बनाना होता है ना अपना स्मूदी बनाने के लिए मैं उतरी थी, तो मुझे तो आवाज नहीं आई। अब ऐसा है कि लेट्स गो फाइंड आउट, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये दोबारा रिटर्न ना। सही में तुम एक्साइटेड नहीं हो? मैं हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं उसमें क्या है, तो मैं ये सोच के हो रही हूँ कौन सा गिफ्ट होता है, चाहे फ्लावर हो। मेरा फ्लावर के लिए ना मैं इतना भाई सर्दी में बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का मकसद नहीं, मैं यूं कह रही हूं सीरियसली, क्योंकि अगर फ्लावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरी भाई। प्लीज लेट्स गो, यू रियली वांट इट। चलना पड़ेगा बिल्कुल। अब मिल गया एड्रेस, उसमें आ गया, और देखो हमारे दिमाग में भी नहीं है, लेकिन यार वो क्यों स्पैम में डालेंगे, हो जाता है कभी कभी चला जाता है। तो फिर जाना पड़ेगा। मैं जो मुझे तो स्मूदी बनानी थी, मैं मुझे अपना ब्लॉग ही बनाना है, आपके चक्कर में जाना पड़ेगा। लेकिन चले भाई गाइस, आपको स्मूदी आपकी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा ऐसा क्या है उमर, ऐसा क्या है? ये तो देख के पता चलेगा ना ऐसा क्या है। वो तो नहीं है जो मैंने आपसे 1-2 दिन पहले जिक्र करा था? अरे आप गैस करना छोड़ कर दें, ऐसा करूंगा तो बस मैंने बताना नहीं है, आपने 100 गैस करने, ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। चले ठीक है फिर, चले फिर चलते हैं। चले गाइस भाई, मुझे खुद नहीं पता ऑनेस्टली, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और मुझे ये हो रहा है, क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि यार ऐसा क्या लिया है। एक चीज थी मैंने उमर को बोली थी 1-2 दिन पहले, वो था, मैं गैस कर सकती हूँ, वो बहुत अच्छा था, परफ्यूम था, वो मेरा बहुत दिल आया हुआ है, मैंने बहुत सारे लोगों को यूज करते हुए देखा है, तो मुझे था कि शायद हो सकता है वो। लेकिन चलते हैं, मैं आप लोग को साथ ही लेके चलती हूँ, लेकर आते हैं और देखते हैं क्या चीज है, क्या कहानी है। आई एम एक्साइटेड, गिफ्ट के लिए मैं रेडी हुई थी। कोई फूल निकलाना अगर फूल निकलाना मैं बता रही हूँ, मैं इतनी सर्दी में ना स्पेशल होगा अगर वो फूल होगा, फॉरएवर होगा। अच्छा अब मैं समझ रही हूँ, आप जो है ना वो जो ये मत, वो तो नहीं आपने वो जो फूल चल रहे हैं आजकल फॉरएवर के, और वो जो सालों तक के जिंदा रहते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा कार है। बाजा गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट ये वैलेंटाइन के लिए ना लोग यही कर रहे होते हैं, आपने ये काम करा। गिफ्ट क्या होता है? मैंने गैस सही करा या नहीं करा? मैं ना यस बोलूंगा ना नो बोलूंगा, मैं तुम्हें। हाँ गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट ये होता है कि आप गिफ्ट लेते हैं और उसको खोलते हैं, फिर पता चलता है, फिर एक्साइटमेंट आती है। ठीक है आप पूछ लेंगी, गैस कर लेंगी, तो मैंने बताना नहीं है और आपने गैस करते रहना है। चले ठीक है फिर चलते हैं, जल्दी से दिखाते हैं, मैं अपने YouTube फैमिली के साथ ही शेयर कर लूंगी भाई, क्यों नहीं, इंटरेस्टिंग होगा। मुझे खुद नहीं पता तो आप लोग को पता चल जाएगा। चलते हैं भाई बिल्कुल। और जो है ना उमर इतने परेशान होते, मैं ये कह रही हूँ उमर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली पार्सल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कभी अगर मिस भी होता तो नेबर्स के पास डिलीवर हो जाता है, तो वो कार्ड डाल देते हैं कि आपने यहाँ से पिक कर लें, और हमारे नेबर्स जो है ना उन्होंने भी हमारा नंबर दिया तो हम भी कलेक्ट करते हैं। लेकिन आज उमर को मैंने पहली दफा देखा इतना परेशान होते हुए कि पार्सल में जैसे पता नहीं खजाना है किसी चीज का। तो चले चलते हैं, आप लोग को लेके चलते हैं, पिकअप करके लाते हैं और देखते हैं कि वाकई में उसमें कोई खजाना ही तो नहीं निकलने वाला है हमारे लिए। मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये काफी अर्ली वैलेंटाइन डे गिफ्ट हो रहा है और जबरदस्त। चले भाई लेट्स गो देन। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग जो है वो, मैं तो तैयार हो गई हूँ, इतनी सर्दी है ना मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड ऑनेस्टली, बहुत सर्दी है। तो यू नो, तो गिफ्ट जो है ना वो इट बेटर बी अ वेरी गुड गिफ्ट, अदरवाइज ना। हाँ भाई गाइस, तो हम लोग जो है वो कार में बैठ गए और उमर जो है वो भी तैयार हैं, तो उमर हवा के घोड़े पे सवार है। इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, मुझे भी हो रही है। अब तो मैं देखना चाहती हूँ कि अगर उसमें है क्या। लेकिन उमर सर्दी इतनी हो रही है ना, मैंने भी अपनी YouTube फैमिली को बोला कि आपका गिफ्ट बेटर बी गुड। जैसा भी है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बस। चले इंशाल्लाह तोहफा तो तोहफा है, कोई बात नहीं, दिल से दिया है जिसने। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं होनी चाहिए, दिल से भी होना चाहिए। दिल से होगा, डोंट वरी, आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह मिल जाएगा इंशाल्लाह मिल जाएगा, परेशान नहीं हो। जाता कहीं नहीं, यहाँ पे चीजें कहीं नहीं जाती भाई। नहीं, बस ये है कि समटाइम प्रोसेस के अंदर कहीं लॉस हो जाता है। हाँ, कभी ऐसा हो भी जाता है। नहीं, इंशाल्लाह मिल जाएगा बस। ये जो वैन खड़ी है ना, मैं ख्याल से यही ना हमारे घर पे ना नॉक करके, एक छोटी सी नॉक करके ये जो आ रहे हैं देखना। हाँ, तो पकड़ ले इसको, बोल दे डीबीडी वाले। ये इसे तो पूछ ले ना, साइड में खड़ा करवा के, भाई साहब आपके पास हमारा पार्सल नहीं है। आराम से आपने जो है ना, वो मतलब क्या तेजी मचाई हुई है। जरा सुकून नाल थांबा। हाँ, यहाँ तो पार्किंग नहीं दिख रही भाई। मिल जाएगी डोंट वरी। ऑलराइट जनाब, ये देखिए गाइस, उमर जो है ना फाइनली पहुंच गए कलेक्ट करने के लिए पार्सल अपना। अब देखना ये कि पार्सल मिलता है नहीं मिलता है, और मिलता है तो आई होप मिल जाए, क्योंकि उमर जो है ना इतने परेशान है। एंड आई रियली वांट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर उसमें है क्या। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, या तो ना इसके अंदर परफ्यूम है, क्योंकि मैंने उमर को कुछ दिन पहले ना जिक्र करा था कि आई रियली वांट टू बाय दैट। तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है वो हो। लेकिन फॉरएवर फ्लावर्स जो है ना, वो भी बहुत मशहूर हैं, वो खराब नहीं होते बिल्कुल भी ना, 5 साल तक के। तो जब भी उनको कहते हैं फॉरएवर रोजेज, तो वैलेंटाइंस के लिए तो परफेक्ट गिफ्ट होता है। तो हो सकता है कि उमर ने जो है वो, क्योंकि मैंने वो भी दिखाया था उमर को, अभी तो नहीं, आई थिंक मैंने तो वो कुछ अरसे पहले दिखाया था, लेकिन अब आई डोंट नो। उमर आगे आप लोग को दिख रहे हैं और आज को इतना रश है ना यहाँ पर। ये रहे उमर, ये देखें खुशी देखें, ऐसा लग रहा है गिफ्ट इनका है, मेरा नहीं है। मिल गया। थैंक गॉड। मैं तो दुआ कर रही थी कि उमर आपको मिल जाए भाई, कहीं ये ना हो ये वो पार्सल है ना जिसने आपको जो है वो पागल बनाया हुआ था। हाँ, बिल्कुल। हालांकि स्मूथ डिलीवरी होनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन स्मूथ नहीं हुई। चलें, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। क्या है, खोलूं इसको? मैं अभी खोल लूं या घर जाके खोलना है? आपकी मर्जी, आप घर जाके खोलें या अभी खोलें। तो नहीं कहीं मुझे यहीं पे शौक ना लग जाए पब्लिक प्लेस में। मैं तो भी खोल रही हूँ, आपने जो लाकर दिया ना, आई रियली वांट टू सी इट नाउ। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपका गिफ्ट है। लेट्स सी व्हाट वी हैव। इस बॉक्स में क्या हो सकता है मुझे नहीं पता। वैसे इस बॉक्स में क्या हो सकता है उमर, मैं तो गैस करके भी थक गई हूँ, कोई फायदा नहीं है। लेकिन लेट्स सी कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, और पता चलेगा। लेट्स सी। ओह, व्हाट? iPhone Pro Max 15।